बस सिंपली ऐसे मूव कर रही हूँ। जस्ट मूव इट लाइक दिस। तो इससे मैं वॉल भी क्लीन कर सकती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम रिव्यू कर रहे हैं एक स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर की, जो कि है बाय फिलिप्स। इस वैक्यूम क्लीनर का मॉडल नंबर है FC6728। ये एक 3-in-1 प्रोडक्ट है विच कम्स विद वैक्यूम, मॉप एंड हैंड हेल्ड। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इस वैक्यूम क्लीनर को हम यूज़ कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर। आप देख सकते हैं कि ये बहुत कॉम्पैक्ट है, तो हम इस वैक्यूम क्लीनर को कन्वीनियंटली सोफ़ा के लिए, कर्टन्स के लिए, किसी के लिए भी क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अलग अलग पार्ट्स क्या हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऑन ऑफ बटन है। जब मैं इसे ऑन करूँगी तो वैक्यूम क्लीनर ऑन हो जाएगा। ये एरिया है, ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर सारी डस्ट एक्यूमुलेट होती है। तो इस वैक्यूम क्लीनर को यूज़ करना बहुत ही कन्वीनियंट है, काफ़ी स्टर्डी है ये। मैं आपको अभी ये सोफ़े के ऊपर यूज़ करके दिखाती हूँ। तो अब मैं आपको ये सोफ़ा क्लीन करके दिखाती हूँ कि हमें ये वैक्यूम क्लीनर को सोफ़ा क्लीन करने के लिए कैसे यूज़ करूँगी। और इसी तरीके से हम सोफ़ा की सीट को भी क्लीन कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं बाकी अटैचमेंट्स की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक लॉन्ग अटैचमेंट है, इसको मैं वैक्यूम क्लीनर से बस ऐसे कनेक्ट कर दूंगी और ये देखिए, इट्स रेडी टू यूज़। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक ब्रश दिया गया है, दिस इज़ यूज टू क्लीन द वेब्स, जो स्पाइडर वेब्स जो जाले घर में लगे होते हैं, जब हमें वो ऊपर क्लीनिंग करनी होती है उसके लिए ये अटैचमेंट यूज़ होती है। तो मैं आपको ये यूज़ करके दिखाती हूँ। तो अब मैं ये जो ब्रश वाला अटैचमेंट है ये यूज़ कर रही हूँ वेब्स रिमूव करने के लिए। तो इससे मैं वॉल भी क्लीन कर सकती हूँ। ये जो कॉर्नर्स होते हैं हम इनको भी इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ये यहाँ पे ये कॉर्नर है, ये मेरा फ्रिज और वॉल के बीच में यहाँ पे गैप है, तो मैं इस वैक्यूम क्लीनर से इस सेक्शन में भी सफाई कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके बाद इसी स्टिक के ऊपर हम देखते हैं कि मॉपिंग अटैचमेंट कैसे लगेगी, यानी कि हम इस वैक्यूम क्लीनर को पोछा मारने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हैं ये दो अटैचमेंट्स। इस अटैचमेंट को हम ब्लू अटैचमेंट के ऊपर बस ऐसे कनेक्ट कर देंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे जो ये आप दो सेक्शंस देख रहे हैं, ये है वाटर फिल करने के लिए। तो जब आपको पोछा मारना हो तो हम यहाँ पे पानी डालेंगे और इसको यहाँ से ऐसे सिंपली क्लोज कर देंगे, और कुछ टफ स्टेन्स हो तो हम यहाँ से प्रेशर दे सकते हैं वाइल मॉपिंग। तो मैं आपको ये एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी कि इसे हम यूज़ कैसे करेंगे। फिलहाल इस अटैचमेंट को हम अपनी स्टिक के ऊपर अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको बस ऐसे कनेक्ट कर देंगे और ये देखिए, मैं यहाँ पे ऑन करने के बाद बस ये इस तरीके से काम करेगा। आपको बस ऐसे ड्रैग करना है तो यहाँ पे हम ये बटन ओपन करेंगे और इसे वाटर से फिल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम ये वैक्यूम क्लीनर यूज कर सकते हैं पोछा मारने के लिए।
फ्रेंड्स, अगर आपको टफ स्टेन्स क्लीन करने हो तो यहाँ पे ये प्रेशर पंप है, जस्ट प्रेस इट वंस एंड जस्ट मूव इट लाइक दिस। इस वैक्यूम क्लीनर की सबसे अच्छी बात ये है कि ये इस तरीके के जो हमारे बेड के नीचे सेक्शन होता है वहाँ पे भी बहुत कन्वीनियंटली चला जाता है। और ये देखिए, विच इज़ अमेजिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें यही होती है कि बेड के नीचे हम मॉपिंग कैसे करें, तो आप इस वैक्यूम क्लीनर से बेड के नीचे भी बहुत ईजिली मॉपिंग कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये अटैचमेंट है वैक्यूम क्लीनिंग करने के लिए, कि अगर आपको मॉपिंग नहीं करनी हो, सिंपली वैक्यूम क्लीनिंग करनी हो, तो उसके लिए इस अटैचमेंट को भी मैं स्टिक के ऊपर बस ऐसे लगा लूँगी और फिर हम वैक्यूम क्लीनर को बस ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने वैक्यूम क्लीनर ऑन किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट ऑन हो गई है। तो अगर कोई डार्क एरिया हो जहाँ पे आपको डस्ट डर्ट नहीं दिखती है, तो वहाँ पे ये बहुत हेल्पफुल है। तो ये देखिए, मैं इसको बस सिंपली ऐसे मूव कर रही हूँ। वाओ, ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, जब मैं पीछे भी लेके आ रही हूँ तब भी पूरा डस्ट को अच्छे से सक कर रहा है ये वैक्यूम क्लीनर। अमेजिंग। तो इस तरीके से आप कहीं पे भी इस वैक्यूम क्लीनर से वैक्यूम क्लीन कर सकते हैं, डस्ट डर्ट रिमूव कर सकते हैं। जस्ट लुक एट दिस, एब्सोल्युटली क्लीन। तो फ्रेंड्स, हमारा क्लीनिंग टेस्ट ये वैक्यूम क्लीनर पास करता है। दोनों वेट स्टेन्स और ड्राई स्टेन्स बहुत ही इफेक्टिवली, बहुत अच्छे से ये क्लीन कर सकता है। सो ओवरऑल इट्स वेरी इफेक्टिव एंड वेरी गुड। हमारी तरफ से इस वैक्यूम क्लीनर को मिलता है थम्स अप। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।